नमस्ते दोस्तों, सर्च मेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको शेयर बाजार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे और आपको सही और समझदार निवेश करने में मदद करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसने एक साल में 100% से 200% तक के रिटर्न दिए हैं और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो इस लिस्ट में दूसरे स्टॉक है कोसिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी शिप मैन्युफैक्चरिंग और शिप रिपेयरिंग का काम करती है और साथ ही ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट शिप मैन्युफैक्चरर भी है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। इस कंपनी का करंट प्राइस है 650 रुपीज़, मार्केट कैप है 8,463 करोड़, EPS 23.16, ROE 6.91%, PB रेशियो 1.91, PE रेशियो 27.78। बात करते हैं इस कंपनी के 2023 के प्रॉफिट के बारे में, तो इस कंपनी ने इस साल 305 करोड़ का प्रॉफिट किया है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं पहले नंबर के स्टॉक्स की, तो ये एक ज्वेलरी ब्रांड है और ये ज्वेलरी का डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और साथ ही ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी ब्रांड में से एक है। बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। पूरे इंडिया में इसके 140 प्लस स्टोर्स है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। इस कंपनी का करंट प्राइस है 181 रुपीज़, इसका मार्केट कैप है 18,500 करोड़, EPS 4.20, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 12.79%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, PB रेशियो 5.09 और PE रेशियो 42.76। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ये कंपनी ने 2023 में पूरे 433 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों, अब आपको दोनों ही स्टॉक्स के बारे में और दोनों ही स्टॉक्स के बिजनेस बारे में और उसके फंडामेंटल समझ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी पूरी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आप सब भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।